टाइगर ने एकदम पूरा रेक कर रखा। ये देखो ऐसा होता है टाइगर का पगमार्क। गन मिलती है ऑफिस से मिलती है। कर दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं अभी अपने बीट पे हूँ और देखो ऐसा हमारा काम जो ये होता है ना कि जो मेरी बीट है इसको मॉनिटर करना, जैसे ये पीछे पेड़ है ये इसको देखना, और पीछे आप ये देख रहे होंगे ये स्तूपा टाइप, ये जो गुड पॉलिनेटर का साइन होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानना चाह रहे थे कि कैसे पेट्रोलिंग होती है क्या होती है, तो मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये देखो पीछे एक ये जो आप देख रहे होंगे ये रोहिणी का पेड़ है और ये नेचुरली गिर रखा है, हाथी ने इसको गिरा के रखा है। और अभी जो है आप मेरे जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना दोस्तों, इस पर जो भी फॉरेस्ट रिलेटेड जानकारी है और किसी प्रकार की कैसे क्या होता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये है रोहिणी का वृक्ष, देखो ये जो एलिफेंट होता है ना उसका प्रिय आहार होता है, और आप ये जो देख रहे होंगे रेड रेड टाइप, ये है रोहिणी। इसको ना ये जो बीज देख रहे हो इसको, जैसे ये है तो इसको रगड़ोगे देखो ये पाउडर जैसा निकल रहा है, तो इससे बनता है टीका वीका बनाते हैं देखो। तो दोस्तों लोग बोलते हैं कि जो वनारक्षी जो होता है वो जो उसकी बीट होती है उसको कितना किलोमीटर चलना पड़ता है क्या चलना पड़ता है, वो डिपेंड करता है आपकी बीट पे और आप पे। तो इस एरिया में ना पूरा रोहिणी रोहिणी वृक्ष है देखो, और यहाँ रोहिणी की अधिकता होने के कारण यह जो एलिफेंट की मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि वही उसका प्रिय आहार है। देखो ये तेंदुपत्ता ये देखो, और इसी से बनती है जो बेड़ी वेड़ी। तो दोस्तों जो एक वनारक्षी होता है वो पूरा ग्रीन सोल्जर का काम करता है, जो 894 जो भर्ती शायद आई थिंक 894 ही है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है। तो अभी जो है आप जो है अपनी स्टडी पे फोकस करिए, और फिजिकल तो कॉमन सा होता है निकल ही जाता है। आपको ये बताना चाहूँगा ये मिक्सचर फॉरेस्ट है, मतलब मिश्रित वन जो आपने किताबों में पढ़ा होगा मिश्रित वन। मिश्रित वन का मतलब है कि यहाँ सब प्रकार के वृक्ष मिलेंगे, साल सागौन शीशम सब कुछ मिलेगा आपको, धौड़ी हो गया बकैन। तो जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फॉरेस्ट में पेट्रोलिंग कैसे होती है क्या होती है, जैसे हमारी सिविल पुलिस होती है वैसे ही आप जो इसको फॉरेस्ट पुलिस भी कह सकते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि तो इसमें हम लोगों को जो है जैसे एक सिविल पुलिस अपनी बीट पे पूरा हर समय पेट्रोलिंग करती है, वैसे ही हमें जो फॉरेस्ट में जो है अपनी बीट पे पूरी पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, हर चीज़ देखना पड़ता है कौन सी क्या मूवमेंट हो रही है करके। देखो बेरी का पेड़ देखो पूरा लाल हो गया यार एकदम बेरी से ना, ये जो जितने भी वाइल्ड एनिमल होता है ना ये सब खाते हैं। देखो इसके हाइट ये है, इतने ऊपर है देखो कांटे, कहाँ पकड़ो ऊपर। ये देखो एक ले लेता हूँ इसमें से दोस्तों, ये देखो कांटे बहुत हैं इसमें भाई साहब, लगे पूरा का पूरा इतना ज़्यादा है ना इसमें, एक ले लेता हूँ दोस्तों। ये देखो पीछे बेरी का पेड़ है और धूप भी मस्त हो रही है, तो थोड़ा खा लेता हूँ थोड़ा। भाई साहब इतना मीठा हो रहा है ना ये, मज़ा ही आ गया। तो ये देखो ये पूरा एकदम वो है, ये एकदम कुरी लैंटाना वाली घास है। ये देखो ऐसा करके यहाँ पर से ऐसे करके चल के आया, ये देखो ऐसे करनी पड़ती है फॉरेस्ट में पेट्रोलिंग। ये देखो ये एलिफेंट की डंक है, आप ये रिवर वाला पोर्शन देख रहे होंगे, जब बरसात आती है ना तो ये जो नाला है ये पूरा का पूरा भर जाता है, और इसमें वाटर लेवल इतना ज़्यादा रहता है, इतना ज़्यादा रहता है कि बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो भी बह के आते हैं। बर्ड जा रही है लेकिन वो चले गई है, दिख नहीं रही है। तो इसी में ही एक डोंगो वाली बर्ड होती है ना, उसको जो है पक्षियों का कोतवाल भी कहते हैं। आपने पुलिस का कोतवाल तो सुना होगा लेकिन पक्षियों का नहीं सुना होगा, तो वो पक्षियों में हेड होती है। देखो आजकल इस तरफ को जो है एलिफेंट की मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही हो रही है, क्योंकि हमें अभी डंग देखने को मिला और उसके जो पैड होता है ना, पैड जैसे पगमार्क होता है टाइगर का, वैसे उसका पैड हो पैड बोलते हैं उसको। देखो भाई साहब क्या लग रहा है, यहाँ पर एक मंदिर भी है। देखो ये देखो ऐसा होता है टाइगर का पगमार्क। ये देख रहे हो ये जो झाड़ू घास है, जो स्थानीय लोग होते हैं ना इसको जो झाड़ू बना के झाड़ू का यूज करते हैं। देखो पानी कितना साफ है, और वहाँ पर देखो इतनी सारी मच्छियाँ हैं ना, ये देखो देखो इतने छोटे छोटे बेबी फिश हैं, देखो इतने छोटे छोटे मच्छियाँ हैं, और पानी का स्रोत है ही नहीं, यहीं से आ रहा है, पता नहीं किधर से, यहाँ इधर से रिश्ते हुए आ रहा है। पर जो पानी दिखाया था मैंने बेबी फिश दिखाई थी मच्छियाँ, तो यहाँ पर ना अब पूरा पानी अंडरग्राउंड हो जाता है। देखो पूरा पानी अंडरग्राउंड हो जाता है, यहाँ कोई पानी का नाम नहीं। तो दोस्तों अभी मैं उस रूट पर चल रहा हूँ जहाँ टाइगर के पगमार्क हैं, जहाँ जहाँ टाइगर के पगमार्क हैं, ये देखो उस रूट पर चलते जा रहा हूँ। दोस्तों जो है अपने जीवन काल में एक वृक्ष अवश्य लगाएं, क्योंकि जो एक पेड़ होता है वो हमें 17.5 लाख रुपए की ऑक्सीजन का प्रोवाइड करवाता है,
और 14.5 लाख रुपए का जो वायु प्रदूषण है उसको कंट्रोल करता है, और 3% जो वायु प्रदूषण होता है उसको जो है कंज्यूम करता है, CO2 जो होता है ना, 3% जो है वायु प्रदूषण जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 उसको सोखता है, और जो ये तापमान है 3% जो है जो टेम्परेचर को जो है कम करता है, कंट्रोल करता है। मतलब जो एक पेड़ जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों में लाभदायक होता है, तो एक वृक्ष अवश्य लगाएं अपने जीवन काल में। तो ये देखो ये पेड़ कैसे खड़ा है, पूरा नदी है बेचारा, ये एकमात्र यही बचा हुआ है, नदी के बहाव में बहा नहीं है अभी तक। ये देखो दोस्तों सामने ऐसा लग रहा है ना, टिंडल इफेक्ट लग रहा है। टाइगर ने एकदम पूरा रेक कर रखा अपने ये से पंजे से मार रखा है, देखो इसको रेक बोलते हैं। ये देखो टाइगर का एकदम पगमार्क दिमाग को, ये देखो कितना बड़ा पगमार्क है भाई साहब, ये देखो। तो इस वाले उसमें ना, क्योंकि यहाँ पर पानी भी है सही और सब कुछ है, तो यहाँ टाइगर की मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हो कि गन मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलती है नहीं मिलती है। दोस्तों बेसिक गन मिलती है ऑफिस से मिलती है, आप तो आपके चार्ज में गन रहेगी, आप चाहो तो ले सकते हो, आप चाहो तो उसको जमा। दोस्तों चलने में जो मज़ा है ना, इससे आपकी फिटनेस सही रहती है, आप पूरा देखो नेचर को फील कर सकते हैं, दूसरा एक फ्रेश एयर ले रहे हो, और देखो ना देखो पॉल्यूशन फ्री है एकदम। तो आपको जो नदी के बीच में एक छोटा सा वृक्ष दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, ये है बेरी का पेड़, और इस बेरी का जो पेड़ है ना जंगल में सबसे ज़्यादा ये खाते हैं, स्पॉटेड डियर हो गया, ये लंगूर हो गया और मंकीज हो गए। देखो ये पूरा दोस्तों, ये पूरा का पूरा साल ट्री, दोस्तों पूरा साल ट्री है, और इसकी ये कहावत है कि बोलते हैं कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल पड़ा, तो हो गए 300 साल। ये देखो बहुत ड्यूरेबल ये लकड़ी होती है, इसका जो साइंटिफिक नाम है सोरिया रोबस्टा है। देखो देखो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है एलिफेंट ने जब जिसमें गीली होगी ना मिट्टी, तो उसने वो पाँव रखा, पैड रखा, तो अपना उसका देखो इतना बड़ा होल बन गया है। तो फॉरेस्ट रिलेटेड आगे भी जो है वीडियो आती रहेंगी, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब वहाँ पर मैंने बाइक खड़ी की है, उधर से हम जाएंगे चौकी की तरफ। ये देखो इस तरफ मेरी बीट है, और बीट के ये रोड के किनारे पे देखो एक बोतल फेंक रखी है, इसको अपने पास रख लेता हूँ, और इसको अभी हम डस्टबिन में डाल देंगे, फेंक देंगे। तो कृपया करके जो भी कूड़ा कचरा होता है ये जो है गंदगी ना करें, आपसे विनम्र निवेदन है। तो ये पीछे है मेरी बीट, और आज की हमारी पेट्रोलिंग हो गई कंप्लीट, और मैं पहुंच गया हूं रोड पे, ये देखो हाईवे, और अब मैं चौकी की तरफ जाऊंगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे, ब्लॉग पे।